डोंडी लोहारा से दूसरी बार विधायक चुनकर आई अनिला भेड़िया ने अभी अभी मंत्री पद की शपथ ली है और हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं उनका क्या आगे प्लान है। मैडम, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्र की जनता बहुत खुश होगी आज आपकी। बिल्कुल, मेरे क्षेत्र की जनताओं को उम्मीद थी कि हमारे सीनियर जरूर हमारे बालोद जिला से एक मंत्री पद देंगे और सीनियर होने के नाते मुझे भी उम्मीद थी। महिलाओं में आप एकमात्र मंत्रिमंडल में चेहरा है, तो महिलाओं के लिए क्या आपकी सबसे पहले महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पूरी मेरी मेहनत रहेगी और जो बच्चियों के साथ भी अनाचार अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए भी मेरा पूरा प्रयास रहेगा। क्या ऐसी बड़ी समस्याएं देखते हैं बच्चियों को लेकर, क्योंकि एक संवेदनशील विषय है ये, तो उसको लेकर क्या सबसे पहले कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे छात्रावास में भी देखते हैं बच्चियों के साथ बहुत जगह गलत काम होते हैं, उसको लेकर आपको क्या सबसे पहले? तो अब हमारी सरकार आ गई है, वो सब खत्म हो जाएगी। तो और क्षेत्र की जनता को आप क्या कहेंगी कि अब आपका आपके क्या करेंगे आप? अब कैबिनेट के बैठक विधानसभा सब होगा, उसके बाद सब बैठ के निर्णय लेंगे क्या और करना है क्या नहीं। वैसे भी हमारे सीएम महोदय ने बहुत बड़ी बड़ी सौगातें हमारे छत्तीसगढ़ के जनताओं को, किसानों को दे दी हैं, तो आगे नौजवानों और महिलाओं को भी देंगे। तो ये हमारे साथ थी छत्तीसगढ़ शासन में मंत्री अनिला भेड़िया, जो कि एकमात्र चेहरा है मंत्रिमंडल में और उनकी जो प्रायोरिटी है वो महिलाओं को लेकर होगी और होनी भी चाहिए क्योंकि वो एकमात्र सदस्य हैं मंत्रिमंडल की। कैमरा पर्सन मनीष कुमार के साथ सत्येंद्र सिंह, टोटल न्यूज़, रायपुर।